हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। मेरा पास ये जो डीओबी है, ये डीओबी को 3.7 वोल्ट पुराना मोबाइल बैटरी से भी आप ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये डीओबी को ऑन करके दिखाया। और दोस्तों, आपके पास इस तरह पुराना मोबाइल बैटरी नहीं है तब भी आप ये डीओबी को इसी तरह जो डीओबी है डीओबी को आप ऑन कर सकते हो। किस तरह ऑन करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, तो ये बैटरी से भी आप इसको जला सकते हो। तो किस तरह करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको सोल्डरिंग करके आपका सामने में लाइव दिखाता हूँ। और आप थोड़ा सा वेट कीजिए और प्रैक्टिकली देखिए मैं किस तरह आपका सामने करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छा तरह से ये जल रहा है। तो दोस्तों, ये बैटरी आपके पास नहीं है तो तब भी आप ये डीओबी को आप ऑन कर सकते हो। किस तरह कि आपको लेना पड़ेगा एक मोबाइल चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल चार्जर से कैसे इसको जलाया जाता है ये भी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। पर दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए मैं ये मोबाइल चार्जर से आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और दोस्तों, ये किस तरह करना पड़ेगा आपको, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए मैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज दोस्तों, आपको ये वीडियो के अंदर ये जो डीओबी लाइट, ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी को कैसे 3.7 वोल्ट बैटरी से आप जला सकते हो। और दोस्तों, ये 3.7 वोल्ट बैटरी आपके पास नहीं है तो आपके पास पुराना कुछ भी मोबाइल का बैटरी, तो दोस्तों हो सकता है इसी तरह बैटरी का जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ से एक वायर सोल्डरिंग करके भी आप ये जो डीओबी है इसको आप जला सकते हो। तो दोस्तों, और आपके पास मोबाइल चार्जर है तो ठीक है, तो इसी तरह कुछ भी एंड्रॉयड मोबाइल चार्जर होगा तो आप मोबाइल चार्जर से भी ये डीओबी को आप ऑन कर सकते हो। तो किस तरह करना पड़ेगा, और ये पीसीबी कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट के अंदर ये अलग सा पीसीबी इसी तरह मिलता है। ठीक है, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एलईडी बल्ब होता है, ये बल्ब के अंदर ये पीसीबी दिखा जाता है। तो बहुत कुछ रीजन से ये पीसीबी फॉल्ट हो जाएगा, तो ठीक है, ये फेंकना मत। ये पीसीबी को भी आप ये सब बैटरी से और चार्जर से भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए दोस्तों, ये जो तो दोस्तों लाइट चला गया, बिजली चला गया, तो कोई बात नहीं, मैं मोबाइल का लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मोबाइल लाइट से ही मैं ये रिकॉर्ड करूँगा। तो दोस्तों चलिए, मैं मोबाइल लाइट ऑन कर दिया और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो डीओबी एक्चुअली एसी सप्लाई यहाँ पर इन होता है। ठीक है, एसी सप्लाई से ये पीसीबी इसका लाइट ऑन होता है। बट दोस्तों, जब ये पीसीबी फॉल्ट हो जाएगा, हो सकता है न्यू पीसीबी आपके पास है, तो कुछ भी पीसीबी आप बैटरी से ऑन कर सकते हो। ठीक है, किस तरह करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह करना पड़ेगा, देखिए, हो सकता है कि ये खराब होने का जो मेन रीजन होता है कि ये सब एलईडी सीरीज रहता है। सीरीज मतलब क्या है कि देखिए, कुछ भी एक लाइन से आप पकड़ सकते हो कि ये जो एलईडी का पॉइंट है, ये एलईडी से लाइन ये बीच में चला गया और ऊपर कनेक्शन है, और उसके बाद ये पॉइंट से लाइन इधर चला गया, ऊपर कनेक्शन है, और उसके बाद ये लाइन से लाइन चला गया और ऊपर कनेक्शन है। इस तरह कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है ऊपर से लाइन ये नीचे आ गया, ठीक है, और उसका बाद ये लाइन से नीचे इधर आ गया और ऊपर से लाइन नीचे इधर आ गया, इसी तरह इसका सीरीज कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए एक्चुअली इसका बीच में जो लाइन है, ये लाइन को आपको काट करना पड़ेगा। ठीक है, काट करना पड़ेगा। किस तरह काट करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास इस तरह छोटा चाकू कुछ भी हो सकता है, आप छोटा चाकू कुछ भी लेके आपको इसी तरह काट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह काट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो किया, मेरा पास एक ट्वीजर है, आप ट्वीजर से भी काट सकते हो। ये जो ट्वीजर है, ट्वीजर से भी आप इसको इसी तरह काट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह काट करने के बाद आपको एक एक करके जितना एलईडी है, सभी एलईडी को आपको बीच में काट करना पड़ेगा। काट करने के बाद क्या होगा कि एक एलईडी के साथ जो आर एक एलईडी, दूसरा तीसरा, ये जो एलईडी सब सीरीज कनेक्शन है, ये आपको ओपन करना पड़ेगा। इस तरह ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, पहले से ही मैं ये जो डीओबी है, ये डीओबी को मैं पहले से ही काट करके रखा हूँ। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है। अब देखिए पूरा ये जो डीओबी, अब देखिए पूरा लाइन को मैं इस तरह काट किया। ठीक है, इसी तरह काट किया, पूरा लाइन को इसी तरह काट किया। काट करने के बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काट करने के बाद
ये जो बाहर पोजीशन का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो बाहर पोजीशन का पॉइंट है, ये सोल्डरिंग आउट हो गया, इसको एक अलग सा वायर लेना पड़ेगा। वायर लेके आपको ये जो पूरा साइड, ठीक है, पूरा बाहर साइड का आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा बाहर साइड का आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, जिस तरह मैं वीडियो के अंदर दिखाया, देखिए पूरा सोल्डरिंग करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपको अलग से एक वायर लेना पड़ेगा। इसी तरह मैं वायर ले लिया, ठीक है, वायर लेके ये जो एक वायर लेके मैं किया, आप पूरा वायर लेके भी काट सकते हो, दो वायर लेके भी काट सकते हो, ठीक है। मैं एक वायर लेके, ठीक है, ये वायर लेके इसका जो बाहर साइड को पूरा सोल्डरिंग किया। बाहर साइड सोल्डरिंग होने का बाद आपको इसका जो अंदर साइड है, ये अंदर साइड को सेम तरीका से पूरा सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सोल्डरिंग करना पड़ेगा, और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो दो पार्ट्स है, ये अभी काम पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना करने का बाद चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बैटरी है, ये 3000 मिली एम्पेयर का बैटरी है, और बैटरी का वोल्टेज वैल्यू यहाँ पर देखिए 3.7 वोल्ट का ये बैटरी है, यहाँ पर लिखा है 3.7 वोल्ट का, ठीक है। तो ये बैटरी जो यूएसबी मशीन होता है, जो एफएम और जो ब्लूटूथ मशीन होता है, उसका अंदर ये बैटरी दिखा जाता है। तो दोस्तों किस तरह देखिए, इसका जो बाहर पॉइंट है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, एलईडी का, और इसका जो अंदर का पॉइंट ये पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों ये काला वाला नेगेटिव है, और चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये नेगेटिव पर कुछ भी पॉइंट, ये बाहर नेगेटिव है और अंदर का पॉइंट ये पॉजिटिव है। आप इस तरह टच करेगा तो देखिए ये एलईडी जो डीओबी ये ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये लाइट बहुत ही फ्रेश लाइट, बहुत ही ब्राइटनेस लाइट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बैटरी से आप ऑन कर सकते हो। दोस्तों बिजली चला गया था, अभी आ गया, कोई बात नहीं। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी मोबाइल का, कुछ भी मोबाइल का पुराना बैटरी, उसका अंदर चार्ज होना चाहिए। ये भी दोस्तों 3.7 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो ये बैटरी को मैं देखिए, इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव पर मैं सोल्डरिंग किया, ठीक है, और ये डबल टेप लगा के आप कुछ भी साइड पर आप चिपक सकते हो। तो ये बैटरी से भी आप ये डीओबी को देखिए जला सकते हो, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये तरीका से ये जल रहा है, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद आप मोबाइल चार्जर से भी जला सकते हो, देखिए मेरे पास एक मोबाइल चार्जर है, कुछ भी एंड्रॉयड मोबाइल चार्जर से भी आप जला सकते हो। आपको दिखाने के लिए ये कॉर्ड जो है, देखिए ये जो कॉर्ड है, चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड पर सप्लाई देखे दिखाता हूँ कि इसको मैं काट किया, ठीक है, ये पोजीशन को मैं चार्जिंग पॉइंट को काट किया, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, ठीक है। ये मैं काट किया, और इसका रेड ये पॉजिटिव है और ये व्हाइट वाला नेगेटिव है। चलिए मैं सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, देखिए ये भी बहुत अच्छे तरह से जल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए। और ये प्रॉब्लम का ऊपर और ये बनाने के लिए आपका मन में कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊँगा आपको कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर लॉन्ग डिस्कस कराना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक वीडियो लिंक दे दूँगा, सॉरी, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप पर सब कुछ बिल्कुल फ्री में ज्वाइन होने के बाद डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।